वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ हत्या की जद का केस तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर रिवान अदालत में पेश। बाबर रिवान ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ एक नई दरख्वास्त जमा करा दी। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस का अदालत में रिकॉर्ड पेश किया जाए, बाबर रिवान का मौकिफ। इस हवाले से मजीद जानेंगे अरशद अली से। जी अरशद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज अंजुम मुमताज ने साबिक वजीर अला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हत के इज्जत के दावे पर समाअत की है। अदालत के रूबरू बाबर अवान जो है वो आज अदालत में पेश हुए और एक नई दरख्वास्त जो है वो अदालत में पेश की और जिसमें मौकफ तैयार किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जितने भी केसेज हैं उसका रिकॉर्ड जो है वो अदालत हमें फ्राहम करे। और ये भी अदालत जो है अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत शहबाज शरीफ के तमाम केसेज का रिकॉर्ड जो है वो तलब करके जो है वो पीटीआई के वकला को फ्राहम करे, जिसके ऊपर जो है वो अदालत ने मजीद जो है वो फर्दर ऑर्डर किए दरख्वास्त को इंतजार में रख दिया है और अभी तक जो है इस दरख्वास्त के ऊपर ऑर्डर नहीं किया। जी अच्छा अरशद अली, सेशन कोर्ट में बाप के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार दो बेटों को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया गया है, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज तमीर अवान ने जो है वो बाप के कत्ल में दो बेटों को जो है वो शक का फायदा देते हुए बरी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और इसके साथ साथ अदालत ने जो है वो शक का फायदा दिया है दोनों मुलजमान को। मुलजमान के खिलाफ थाना ग्वालमंडी में जो है वो कत्ल का मुकदमा दर्ज था। अदालत ने नूर हुसैन और जहीर अबाब को जो है वो बरी करने के अहकाम जारी किए हैं और इसके साथ साथ अदालत ने दोनों मुलजमान को जो है वो ये कहा जो है वो बाप के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार दो बेटों को बरी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अरशद अली आपका।